भजन लाल के मंत्रिमंडल में हो रही देरी, क्या आलाकमान निकालेगा वसुंधरा की पर्ची। नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सिंस इंडिपेंडेंस के शो पॉलिटिक्स टुडे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। दरअसल मंत्रियों की संभावित सूची अमित शाह के पास है। सीएम भजन लाल के साथ अमित शाह बातचीत करेंगे और सूची को फाइनल टच देंगे। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल गठन में युवाओं को अवसर मिलेगा, वसुंधरा राजे के करीबियों को मौका नहीं मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले चरण में 10 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें, सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बुधवार शाम को ही दिल्ली चले गए थे। वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर सूची तैयार होगी। माना जा रहा है कि सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली से वापस आएंगे, उसके अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के करीबियों को मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं मिलती है तो फिर असंतोष से स्वर तेज हो सकता है। हालांकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माना जा रहा है कि वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों में से 1 या 2 को ही मौका मिल सकता है। ऐसे में चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा को शायद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले, उनके स्थान पर एसटी के किसी दूसरे विधायक को मौका मिल सकता है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को मंत्री नहीं बनाने से राजनीतिक मैसेज गलत जा सकता है, इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल का विस्तार 23 या 24 दिसंबर को हो सकता है। फिलहाल तारीख को लेकर संशय है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट के गठन में देरी नहीं होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही मंत्री बनाए जाएंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहें सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।